सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज हमारे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का सेकंड डे है। कल का दिन बहुत बढ़िया रहा, हमने चेस्ट एक्सरसाइज लगाई एकदम जबरदस्त वाली, आप लोगों ने देखी होगी। आज के दिन भाई हम लोग लगाने वाले हैं बैक का वर्कआउट, और बहुत जबरदस्त वर्कआउट रहने वाला है। वैसे इस हफ्ते को मंडे मैं जिम नहीं गया था, तो एक दिन ऑलरेडी मिस हो चुका है, और शायद इस हफ्ते मैं घर जाने वाला हूँ तो थोड़े दिन और मिस होंगे। तो आज शायद से हम लोग डबल एक्सरसाइज लगाएंगे। आज हम लोग बैक प्लस बाइसेप डबल एक्सरसाइज लगाने वाले हैं। और फिलहाल मैं तुमको बताऊं तो भाई, उठने के बाद मैंने अंडे की भुर्जी खाई, 3 अंडों की भुर्जी बनाई बढ़िया सी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दलिया बनाया ड्राई फ्रूट डाल के, एंड उसके बाद वही तुमको मैंने कल बताया था, ये थोड़ी सी न्यूट्री की सब्जी है जो कि मैंने ऑलरेडी बना के टिफिन में पैक कर ली है। अब एक काम मुझे और करना है, मुझे थोड़ा सा अपना क्रिटेन खाना है। तो ऑलमोस्ट आपको 5 ग्राम चाहिए, और ये जो एक स्कूप है ये 3 ग्राम का है, तो हम एक स्कूप पूरा डाल देंगे। उसके बाद में थोड़ा सा डालेंगे जिससे कि ये 5 ग्राम हो जाएगा एस्टिमेट पूरा। और भाई इसका टेस्ट कसम से बहुत अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा। ये है तुम्हारा मिंट मोजिटो फ्लेवर, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, बट सबको पसंद नहीं आता। बाकी दोस्तों बात करें अगर हम क्रिटेन की, तो भाई क्रिटेन कोई भी तुम्हारी गंदी चीज नहीं होती है, क्रिटेन अच्छा होता है। क्रिटेन नेचुरली भी हमारी बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन वो कम लेवल में होता है जब हम इसको बाहर से लेते हैं। बेसिकली इसका काम ये है कि जब तुम्हारे मसल्स के अंदर ना वाटर होल्ड करता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली 3 सेल्स होते हैं। एक्सरसाइज जैसे आप करते जाओगे, आप वर्कआउट करते जाओगे, आपकी एनर्जी लेवल डाउन होगा ना, उसके साथ साथ वो एक एक सेल कम होता जाता है। क्रिटेन क्या करता है, क्रिटेन आपका वो एक सेल आपको वापस देता है, जिससे कि जहां पे आप 10 रेप लगा रहे हो वहां पे आप भैया 11-12 रेप लगा पाओगे, थोड़ा सा फर्क देखेगा। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन एक नेचुरल बॉडी बिल्डर के लेवल में ना भाई, छोटी मोटी भी प्रोग्रेस बहुत बड़ी मायने रखती है, तो इसलिए ये ऐड किया है। बाकी भाई अभी तक प्रोटीन हमारा आया नहीं है, वेट कर रहा हूँ, शायद 5 को आएगा, तो लेट्स सी कब आता है। अभी इसको पीते हैं और चलते हैं जिम, और आज खतरनाक वर्कआउट करने वाले हम लोग दोस्तों। तो गाइस आज हम लोग लगाने वाले अपनी बैक और बाइसेप की एक्सरसाइज। अभी सबसे पहले हम लोग वार्म अप करेंगे बैक का। लास्ट वीक जब मैंने बैक की एक्सरसाइज लगाई थी, तो मैंने नोटिस किया मैं एक्सपेरिमेंट करके कि बहुत अच्छी स्ट्रेच आई, तो आज मैं आपको वही एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग एक बेंच लेंगे, यहाँ पे केबल के पास आना है। इसके बाद में हमको यहाँ पे लाके वेट जस्ट, ये है हमारा वार्म अप सेट, ठीक है। हमारा फर्स्ट जाएगा वार्म अप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. वैसे अभी एक साइड से लगाई है, अभी हम लोग लगाएंगे दूसरी साइड से। और ये फिलहाल चल रहा हमारा वार्म अप, क्योंकि आपको कल ही बताया था मैंने, वार्म अप बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप बिना ब्लड सर्कुलेशन के एक्सरसाइज लगानी स्टार्ट करोगे, इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए वार्म अप जरूर किया करो। 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. हमारा वार्म अप खत्म हो गया। गाइस आज मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं दिखाने वाला, सारी एक्सरसाइज के एक एक ही तुमको दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, डबल एक्सरसाइज होने वाली है। तो चलो गाइस, मैंने ऑलरेडी 2 सेट लगा लिए एक्सरसाइज के, थर्ड ही बताया, लंबा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, आपको देखने में मजा नहीं आएगा, मुझे बनाने में मजा नहीं आएगा। तो ये लास्ट और फाइनल सेट है, करना वही आपको, ऊपर खींचो नीचे, जितना कंट्रोल और स्क्वीज लाओगे उतना बेटर। तो स्लो चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
चलो गाइस अभी फाइनली हमारे ये खत्म हो चुकी है, अब हम बाइसेप लगाएंगे। चलो सो गाइस अभी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं अपने बाइसेप की। बाइसेप कर्ल लगाएंगे डंबल्स के साथ। वैसे ऑलरेडी मैंने एक सेट लगा दिया है, मेरा सेकंड सेट है। तो चलो 10-10 का डंबल है, ज्यादा हैवी नहीं है। तो वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट एट नाइन नाइन तो करता जी है। तो चलो भाई थर्ड सेट लगाते हैं यहाँ पे अपना। ये फाइनल सेट होने वाला मेरा डंबल का साथ में, और सही बता रहा हूँ आठ तो वैसे ही बैक के साथ लगाने में ज्यादा बस हो रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन टू मेन भाई है, नीचे आना तो नीचे स्लोप कंट्रोल। थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स भाई इसको बोलते हैं पूरी जबरदस्त एक्सरसाइज लास्ट सेट के अंदर। और पता नहीं मेरा वैसे भी लेफ्टी वीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द लोगों का लेफ्टी थोड़ा वीक होता है। इसका रीजन है हम लोग अपने रोज का काम कोई भी करते हैं राइट हैंड यूज करते हैं और लेफ्ट हैंड यूज होता नहीं है। तो हर नॉर्मल इंसान का लेफ्ट हैंड थोड़ा सा वीक होता है, मेरा भी है, मोस्टली लोगों का होगा, और आपका भी है तो कमेंट करके बताना। तो चलो गाइस अभी हम लोग अपनी सेकंड एक्सरसाइज लगाने वाले बैक की, लैट्स पुल लगाएंगे क्लोज ग्रिप के साथ। वैसे हम लोग वहां पे भी लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं स्मिथ मशीन में लगा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर खींचना भले बहुत इजी है, लेकिन जब आपका ऊपर वेट जाता है आपको काफी होल्ड करना पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से नेगेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स seven eight nine ten eleven thirteen fourteen चलो इसके बाद एक सेट और लगाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक सेट लगा लिया था, मेरा सेकंड था, अभी थर्ड लगाएंगे। और इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद बाइसेप का एक और लगाना है। बाय द वे 3:30 हो रहे हैं, 4 बजे तक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग अपने बाइसेप की सेकंड एक्सरसाइज लगाने वाले हैं, जो कि होने वाले हमारे हैमर। तो हैमर वैसे नॉर्मली मैं डंबल के साथ लगाता हूँ, लेकिन आज हम लगाने वाले यहाँ पे केबल के साथ। सिंपली वही सेम टू सेम रहने वाले, जैसे आप हैमर लगाते हो, जैसे हैमर में डंबल पकड़ने के लिए आपको ये पकड़ना है, सीधा ऊपर हो गए स्लो नीचे। तो ये होगा हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व। तो ये हमारा हो गया सेकंड, तो ये गाइस हमारा हो गया सेकंड। अभी इसके बाद थर्ड लगाना, फर्स्ट में ऑलरेडी लगा चुका था, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो चलो खत्म करते हैं। और का थर्ड सेट है, वैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो इतना ज्यादा कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करने की जरूरत होती नहीं है, एक्सरसाइजेस सेम वही होती हैं जो नॉर्मल आपने सुनी है, बेंच प्रेस, उसके बाद में डंबल्स के साथ। ये चीजें जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट कभी कभी ट्राई करनी चाहिए,
क्योंकि सेम एक्सरसाइज लोग रोज लगा लगा के ना इंसान बोर हो जाता है, तो नई नई चीज ट्राई करो, आपका भी मन लगा रहेगा और मजा भी आएगा। तो चलो थोड़ा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन चलो गाइस, ये हमारी होगी है सेकंड एक्सरसाइज बाइसेप की। अभी हमको थर्ड एक्सरसाइज लगानी है बैक की। आज मोस्ट प्रॉब्लम हम लोग तीन चार चार एक्सरसाइज लगा पाएंगे, चार बैक की और चार बाइसेप की, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। सेवन कंप्लीट हुई है, अभी जल्दी से चलते हैं हमारी थर्ड बैक की एक्सरसाइज की तरफ। तो चलो गाइस, अपनी थर्ड एक्सरसाइज अभी बैक की, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे भूल गया सही बताऊं तो। फिलहाल मैं इसको बोलूंगा ये वाली एक्सरसाइज। तो भाई इसका भी सिंपल था भाई फंडा, खींच के अपने नाभि के पास लेके आना। नाभि बोले तो आपकी पंजाबी में तो नहीं बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में तो ऐसे नाभि बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके अलावा मुझे नहीं पता। तो आपको यहाँ पे टच करना, होल्ड करना, स्लो नीचे। चलो वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेट, अभी दो सेट और लगाने हैं। और मेरे पैर पे ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं क्रैम्स, ये उंगलियां देख रहे हो, तो क्रैम्प बहुत पड़ते हैं आजकल मुझे, पता नहीं भाई से ले केले खाने शुरू किए हैं। आपको भी अगर क्रैम्प पड़ते हैं तो केले खाओ, अच्छे होते हैं। तो चलो भाई अभी इसका सेकंड सेट लगाते हैं। बाकी ना मैंने एक चीज देखी है, बहुत से लोगों का भाई ये सवाल होता है कि एक्सरसाइज के बीच में रेस्ट कितनी लेनी चाहिए। तो देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज लगाते हो ना, मेरे हिसाब से पर्सनली एक मिनट से ज्यादा की रेस्ट इज नॉट गुड। बहुत से लोग मैंने देखा भाई एक सेट लगाते हैं, दस दस पंद्रह पंद्रह मिनट घूमते रहेंगे, उसके बाद लगाएंगे, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। अगर आप ज्यादा थक गए हो, ज्यादा आपकी मसल फटीक होगी, हाँ आप एक सेट में थोड़ी सी रेस्ट ज्यादा लगा सकते हो, दो मिनट की, चलो तीन मिनट की हद, पांच दस मिनट का भाई कोई मतलब नहीं बनता, तो रेस्ट लो उतनी। बाकी चलो तो सेकंड भी हमारा इसका एक्सरसाइज खत्म, अभी इसका थर्ड करेंगे कंप्लीट। उसके बाद बाइसेप की एक अभी दो और लगानी है, बैक की एक और बची है। भाई बहुत एक्सरसाइज बची यार अभी। वैसे आपको बताऊं, ये आपको बताया था मैंने, मेरे यहाँ पे चोट लगी हुई है, इसके कारण आजकल मैं ऑफिस के अंदर भी ना कैपरी पहन के रहता हूँ भाई, चोटें लगने के अपने मजे हैं, क्या बताएं। चलो तो चलो गाइस, अभी हम लोग अपने बाइसेप की थर्ड एक्सरसाइज लगाने जा रहे हैं। ये हम लगाएंगे स्मिथ मशीन के अंदर। भाई ये एक्सरसाइज ना किसी टाइम पे मेरी फेवरेट होती थी, अब इतनी ज्यादा नहीं रही, बट चलो वन टू थ्री फाइव सिक्स एट बाय द वे ये मेरी सेकंड सेट था, एक और लगाना है, ये कंप्लीट करो। बस हो गया यार आज कसम से। तो भाई आपको एक बात बताता हूँ, वैसे ना मैं जब टेली परफॉर्मेंस में काम करता था, आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होगी, वहां पे भाई सिटिंग जॉब के कारण ना मेरे को एक प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को हो गया था सर्वाइकल, अभी भी मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेरे एक्चुअली यहाँ पे L4 आपकी होती है, इसके अंदर के एक नर्व प्रेस है, अब उसके कारण मेरे इस आर्म के अंदर ना ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम है, तो ये मेरी आर्म जो है इसके कंपैरिजन में काफी वीक है, प्लस इसके अंदर मुझे पंप इतना ज्यादा फील नहीं होता है। लेकिन
2 महीने हो गए मुझे वर्कआउट करते हुए, 2 महीने से मुझे पहले से बहुत बेटर फील कर रहा है। तो अगर आपको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम, आप लोग सोचते हो कि आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम होती है, तो करते रहो, टाइम के साथ साथ थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। और मुझे लगता है 100% तो कभी रिकवर नहीं होगा, बट काफी रिकवर आप कर सकते हो। तो चलो थर्ड करके कंप्लीट करते हैं इसको। वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन भाई, इसको बोलते हैं फेलियर। मजा आ गया। तो गाइस बहुत से लोगों को ना लैट्स बहुत पसंद होते हैं, ये देखते होंगे आप लोग साइड को, यहाँ पे मस्त एकदम लंबे लंबे से निकलते हैं यहां तक। मेरे तो फिलहाल इतने हैं नहीं है, बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। अब ये बनाने की एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं आपको। तो आपको भाई यहाँ पे स्मिथ मशीन पे आके ना यहाँ पे रॉड ऊपर पकड़ लेनी है। इसके बाद में वैसे एक इसका एक लगा चुका हूँ ऑलरेडी, ये मेरी सेकंड है। तो चलो साले टाइट भी कितना आया। तो इसी के साथ एक और बात गाइस, कभी भी आप यहाँ पे एक्सरसाइज लगाते हो ना तो भाई इसको टाइट कर लिया करो, कभी कभी ये नीचे आ रहा था, ऐसे भी हो गया। चलो कोई इंजरी नहीं हुई, किसी को लगी नहीं, कोई बात नहीं। तो यहां से रोल पकड़ेंगे, इसके बाद में वेट बहुत कम है, थोड़ा वेट बढ़ा लेते हैं। चलो वैसे ना इस वाली एक्सरसाइज के अंदर मुझे शोल्डर में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको बताया सर्वाइकल मेरा लेफ्ट शोल्डर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। बट चलो वन टू थ्री ज्यादा भारी कर लिया मैंने, इतना नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है, गलत था ये। तो गाइस सेकंड सेट के अंदर वेट थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, प्रॉपरली 8 रेप भी नहीं लगे मेरे से। आपको सिंपल सा बताता हूँ, अगर आप एक्सरसाइज लगा रहे हो, आपको लगाते लगाते जो भी आपने वेट डाला हुआ एक्सरसाइज के अंदर, अगर उस वेट के साथ आपसे मिनिमम 8 रेप नहीं निकलते अच्छे तरीके से, तो भाई वो वेट आपके लिए हैवी है, कम कर लो। तो मैंने भी कम कर लिया है, अभी हमारा भी वही मोटिव रहने वाला, मिनिमम 8 रेप निकालने हैं इसमें। और वैसे ये वाली एक्सरसाइज का हमारा लास्ट सेट है, तो चलो इसको भी कंप्लीट करते हैं हम। वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा नहीं है कि 8 से ज्यादा मैं लगा नहीं सकता था, मैं लगा सकता था, लेकिन आपको बताया सर्वाइकल के कारण ना यार शोल्डर में बहुत प्रॉब्लम रहती है, ये शोल्डर पेन करने लग जाता है, मुझे डर लगता है टूट ना जाए, ज्यादा इंजरी ना हो जाए, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता। तो जितने भी लगे अच्छे लगे, फील तो आ गई, पंप ऑलरेडी आया हुआ है। चलो अब अगले एक्सरसाइज लगाते हैं, बाइसेप की एक बची है और बैक की आई थिंक कंप्लीट है, बाइसेप की बची है, कंप्लीट करके चलते हैं। अभी खाना तैयार होना, ऑफिस जाना, टाइम ऑलरेडी 4:30 हो गए हैं, 5:30 बजे मेरी कैब आ जाएगी, कंप्लीट करते हैं जल्दी। चलो तो गाइस आज की लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज बाइसेप की। देखो ये मैं हमेशा अपने बाइसेप के रूटीन में फाइनल एक्सरसाइज रखता हूँ कि जब मेरी मसल्स ऑलरेडी पंप हो चुकी हैं और मुझे लास्ट में एंड करना है बची बुती एक्सरसाइज अपनी एनर्जी खत्म करने के लिए, तो मैं ये यूज करता हूँ। आप भी ट्राई करो, मजा आएगा बहुत। तो चलो वन, सीन वही रहेगा, बैक आपको स्लो लाना है, टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन। एक और लगाएंगे भाई इसका सेट, उसके बाद में आज की एक्सरसाइज कंप्लीट। तो चलो
चलो गाइस, आज का ये फाइनल और लास्ट सेट हमारा, और इसके अंदर हम कोशिश करने वाले हैं भैया अपना अल्टीमेट फेलियर टच करने की। तो चलो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लक सेवन लास्ट भाई मजा आ गया। पंप देखोगे, ये चेक करो, देख रहे हो पंप आज कितना खतरनाक आ रखा है। चलो अब फ्लैट चलते हैं, नहाते हैं, खाते हैं और वापस चलते हैं। चलो तो चलो गाइस, एक काम और करते हैं आज, देखते हैं हमारा वेट कितना हो गया। वैसे 75 था लास्ट टाइम जब मैंने किया था, सो इट्स स्टिल 74-75 इतना ही है। पिछले अराउंड आई थिंक कम से कम 4-5-6 या 7 साल से ना मेरा वेट 75 से लेके 78 के बीच में ही है। जब 78 के ऊपर चला जाता है तो मैं कम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 78 के ऊपर अगर चला गया तो मुझसे कम नहीं होगा, इसलिए 75 से लेके 78 इज द मैक्स। 78 के ऊपर मैं वेट कभी जाने नहीं देता, तो हमेशा मैं भले जिस मर्जी बॉडी कंपोजिशन में रहूँ, फैट हो रहा है, जैसा मर्जी हो रहा है, 75 के नीचे मेरा वेट नहीं जाता, और मैं चाहता भी नहीं इसके नीचे जाए, 75 रहे लेकिन एकदम मस्त मस्कुलर तो मजे आ जाएंगे। सो गाइस, फाइनली हम लोग अपने फ्लैट पे वापस आ गए हैं और अब नहा लिया मैंने, आप लोग देख सकते हो कपड़े वपड़े पहन के मैं रेडी हो गया हूँ। ऑफिस की कैब आने में ऑलमोस्ट 15 मिनट बचे हैं, तो कुछ खा लेते हैं। अब खा क्या रहा हूँ आपको ऑलरेडी बताया था, तो ये देख लो, ये मैंने आपको बताया था मैंने चिकन ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, 2 चपाती, अब इसको खाऊंगा और निकलेंगे ऑफिस। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई करना क्या आपको, वही करना, कमेंट करना है, सजेशन देनी है, लाइक करना है, और चैनल पे गलती से नए आ गए हो, मजा आ रहा है आपको तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग बढ़ने वाले हैं भाई बहुत आगे, और आपके साथ बढ़ेंगे, आपके सपोर्ट से बढ़ेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।